Welcome back to my channel. I'm Priya Mehta from Nairobi and we are doing a 28 days challenge, gratitude challenge, जिससे सच में बहुत लोगों की लाइफ में मैजिकल चेंजेस आ रहे हैं, मेरे तो आ रहे हैं. I'm writing my list, end of challenge, I'll share with you all. और आज है day 11 of magic practice और आज हम कर रहे हैं, the topic is the magical mornings. आपने सुना होगा ना, कितने सारे यूट्यूबर्स हैं या कितने सारे सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी इस दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं, वो सब एक चीज़ के लिए बहुत स्ट्रेस देते हैं, वो है योर मॉर्निंग रूटीन्स. मॉर्निंग रूटीन को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं, हमारा आज का दिन सुबह स्टार्ट हो रहा है, सारा दिन अच्छा जाए, हम लोग सुबह की स्टार्टिंग अच्छे विचारों से, अच्छी किताबों से, अच्छी एफर्मेशन से, भगवान जी का नाम लेके ब्लेस करके आगे चलते हैं, ताकि जब वो अच्छी चीज़ें सी शुरुआत करेंगे ना, दिन भर फिर आपका फोकस अच्छों की तरफ ही रहेगा. कितने लोग कई बार बोलते हैं ना, किसका मुंह देख के हमने दिन शुरू किया था, क्यों बोलते हैं हम ऐसा? तो क्योंकि आप एक बार नेगेटिव के लिए तो आपका ध्यान जाता है कि किसी गंदे का मुंह हमने देख लिया तो सारा दिन गंदा जा रहा है, या सुबह उठ के किसी एक बात के लिए हमने क्रिब किया, यार लाइट क्यों नहीं है, गर्मी लग रही है, मुझे अभी और सोना था, हमने क्रिब करके उठे हैं. तो आप नोट करना, पूरा दिन आपका क्रिबिंग और गुस्से में जाएगा, है ना, क्योंकि मोमेंटम बन जाता है उस चीज़ का, हमने स्टार्ट ही वैसे कर लिया और हर चीज़ में फिर हर चीज़ आपकी उल्टी होती जाएगी, क्योंकि आपने उस प्रेजेंट मोमेंट में रिएक्ट किया है, क्रिब किया है, कंप्लेंट करी है, तो आपका स्टार्टिंग ही गंदी हो गई है, तो आपने वही चीज़ अट्रैक्ट करते जाओगे. क्योंकि अभी अगर मैंने गुस्सा किया है तो 10 मिनट के बाद भी तो मेरा फ्यूचर है ना, इट्स अ 10 मिनट्स फ्यूचर. 10 मिनट बाद का फ्यूचर खराब हो गया, किसी से बहस हो गई, और बहस से फिर बहस हुई, बहस से फिर आगे नेक्स्ट 10 मिनट और ख़राब हो गए, कोई चीज़ टूट गई और गुस्सा आ गया, खाना टाइम पे नहीं आया और गुस्सा आ गया, एंड द चेन स्टार्ट्स. तो जो हम मोमेंटम समझ पाते हैं वो वर्ड, कैसे हमारे नेगेटिव थॉट्स की चेन स्टार्ट हो जाती है, ऐसे ही जब पता है कि चेन स्टार्ट हो जाती है तो क्यों ना हम कॉन्शियसली अपने दिन की शुरुआत सुबह उठते ही पॉजिटिवली करें, ताकि पॉजिटिव चेन स्टार्ट हो जाए. आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है. सो लेट्स स्टार्ट. सिंपल है आज की एक्टिविटी, बहुत आसान है, जो आपने रोज करनी है. एंड दिस वाइज मैजिकल मॉर्निंग की सुबह उठते ही पहला काम, सुबह उठते ही, कोई ब्रश नहीं, कोई ब्रेकफास्ट नहीं, कोई सुसु नहीं, कोई कुछ नहीं, सुबह उठते ही बेड में ही उठे हो एंड लाइक थैंक यू गॉड फॉर अनदर न्यू डे इन माय लाइफ. मैं ये हमेशा बोलती हूँ, थैंक यू गॉड फॉर दिस न्यू डे इन माय लाइफ, है ना. सो थैंक यू सो मच कि मैं आज जिंदा हूँ, थैंक यू सो मच आज एक नया दिन दिया है, थैंक यू सो मच आज एक नई अपॉर्चुनिटी है मेरे पास. अगर देखो, हम लोग प्रेजेंट मोमेंट में जीने का फ़ायदा ये होता है, अगर हमने पुरानी कोटेशंस देखी हैं, लोगों के पुराने यू नो सेइंग्स होती हैं, कहावतें होती हैं, तो उसमें क्या होता था, दे से ना कि जिंदगी ऐसे जियो कल मरना है. तो जब मुझे पता है कि मुझे कोई बीमारी है, सपोज मुझे कल मरना है या मैं मरने वाली हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं बेटर दिन जीऊँगी, अपने शौक पूरे करूँगी, अपनी पसंद की चीज़ें करूँगी, जिसमें खुशी मिलती है वो करूँगी, सबको माफ़ करूँगी, सबको खुशियाँ बांटूँगी, क्योंकि मुझे ज़िंदगी की अहमियत हो गई है, तो मैं अपने आप अच्छा करूंगी. फाइन, तो ये मुझे इस ग्रैटिट्यूड चैलेंज से मुझे जो खुशी मिल रही है वो ये कि जो मेरा प्रेजेंट मोमेंट में रहने का जो मेरा सिस्टम है वो और पक्का और मजबूत हो गया है. आप नोट करना, जैसे जैसे मैं अपना मेकओवर कर रही हूँ, मेरा मन करता है कि मैं हर वीडियो में एक नई ड्रेस, अपने नई सूट्स निकालती हूँ, पड़े हैं, कब पहनूंगी, लेट मी ट्राई न्यू लुक, लेट मी डू समथिंग नाइस. ये मेरे अंदर बहुत लेजीनेस थी पहले अपने आप को लेके, कि चल ना वीडियो ही तो बनाना है, ऐसे बैठ जाओ, कुछ नहीं होता, कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, शक्ल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. और अब मैं इस चैलेंज से अपने अंदर चेंज देख पा रही हूँ कि मेरा मन करता है कि नहीं यार, इट्स ओके, चाहे बाहर नहीं चलना, घर पे ही हूँ, बट मैं तैयार होंगी, आई विल लुक बेटर, आई विल फील, इट विल मेक मी फील मोर बेटर. सो ये प्रेजेंट मोमेंट जीना सीख रहे हैं हम इस ग्रैटिट्यूड एक्टिविटी से, क्योंकि मैजिकल मॉर्निंग क्या है, सुबह उठते क्या बोला है, थैंक यू गॉड फॉर दिस न्यू डे इन माय लाइफ, थैंक यू गॉड फॉर आई एम अलाइव टुडे. कल का दिन तो निकल गया, हमारे हाथ में है नहीं, कल आएगा कि नहीं आएगा ये भी नहीं पता. फाइन, तो आज का दिन है ना, तो कल क्या पता मैं नहीं हूँ जिंदा, तो लेट मी एंजॉय टुडे, लेट मी गेट रेडी टुडे, लेट मी पुट अ परफ्यूम फॉर मी टुडे. वो परफ्यूम मैंने क्यों पुराने दिन, पुराने नए अलग दिनों के लिए रखा हुआ है, आई वॉन्ट टू यूज इट नाउ, है ना. तो आई, दिस इज समथिंग आई, मेरी ये चीज़ और पक्की होगी, एंड आई एम फीलिंग कि मैं इन चीज़ों में बहुत आलसी थी, और मैं और आई एम हैप्पी टू सी दिस इम्प्रूवमेंट इन माई सेल्फ, दिस इज़ अ मैजिक मैनिफेस्टेशन इन माई लाइफ. सो मैजिकल मॉर्निंग, सुबह उठते ही थैंक यू फॉर दिस न्यू डे, जैसे ही पैर जमीन पर रखा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू,
ठीक है, आपने स्लीपर्स में पैर रखा हो, थैंक यू आई हैव स्लीपर्स, आप एक कंफर्टेबल बेड में सोए थे, इट वाज अमेजिंग, आपका मैट्रेस बहुत कंफर्टेबल है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरा पिलो बहुत सॉफ्ट है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरी बेडशीट बहुत सॉफ्ट है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरे घर में पंखा और एसी है, वाह कितना कंफर्ट मिला है, थैंक यू थैंक यू, गेट अप, यू आर वेयरिंग अ स्लीपर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप सीधे बाथरूम में जाते हो, कितना कंफर्ट है ना, कि पानी बाहर से भर के नहीं लाना, मैं जाऊंगी बाथरूम में टैप खोलूंगी तो पानी आ जाएगा, वाह हाउ कंफर्टेबल, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस वाटर, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हस्बैंड जिन्होंने इतना कंफर्टेबल घर दिया मुझे, आई एम ग्रेटफुल फॉर द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जिन्होंने पाइपलाइन यहाँ तक लेके आए हैं। तो पूरी डिटेल में घुस जाओ, जैसे हमको ऑटो पायलट मोड पे नेगेटिव बातें सोचने की आदत पड़ी हुई है ना, कि हाय आज फिर ऑफिस जाना है, हाय फिर वो कलीग मेरे से बदतमीजी से बात करेगा, हाय फिर मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, हाय फिर मैं सारा दिन घूरती रहूंगी, हाय कोई मेरी हेल्प नहीं करता, मैं क्यों इतनी गंदी जॉब में हूँ, हम ये शुरू करते हैं सोचना और सोचते 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 नेगेटिव कहानी कहाँ तक बना लेते हैं। अब मैं कहती हूँ उल्टा कर लो, स्टार्ट करो पॉजिटिव से, नल में पानी आ रहा है, अब कहानी बड़ी बनाओ, वाह यार मेरे हस्बैंड की वजह से मैं कंफर्टेबल घर में हूँ, मेरे हस्बैंड ने कितने कंफर्ट दिया मुझे, थैंक यू, हाँ यार पानी किसी प्लम्बर ने पाइपलाइन जोड़ी होगी, थैंक यू प्लम्बर, तो वहाँ से कनेक्शन पानी का यहाँ तक मेरे घर तक लाया, थैंक यू टू द अपार्टमेंट सर्विसेज की जो हमारे अपार्टमेंट में पानी ख़त्म नहीं होने देते, उनके पास मोटर है जनरेटर है, थैंक यू सो मच फॉर द अपार्टमेंट सर्विसेज की हमारे पास पूरी बिल्डिंग का बैकअप इलेक्ट्रिसिटी है, कभी लाइट नहीं जाएगी, गर्म पानी हमेशा मिलेगा, फ्रिज भी चलता रहेगा, एंटरटेनमेंट के टीवी भी चलता रहेगा, आई एम सो ग्रेटफुल, कितना कुछ है मेरे पास, आई एम सो हैप्पी। तो सुबह उठने से लेके आपके दिन की शुरुआत के लिए आप जब तैयार होते हो, तब तक लाइफ में हर चीज़ जो आएगी उसके लिए ग्रेटफुल है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, नाउ दिस इज कॉल्ड द मैजिकल मॉर्निंग। सिंपल है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, बस डिटेल में जाना है, जैसे हमें वो नेगेटिव की उधेड़बुन में घुसने की आदत है ना, ऑटोमेटिक घुसते हैं, हमें याद भी नहीं होता कि कहाँ से शुरू किया था सोचना और कहाँ पहुँच गए हैं, ऐसे ही अब कॉन्शियसली हमने पॉजिटिव की आदत डालनी है, थैंक यू करना, कि यहाँ से शुरू किया था, वहाँ ब्रश करने का ही, टूथपेस्ट के लिए थैंक यू, ब्रश के लिए थैंक यू, वॉश बेसिन के लिए थैंक यू, टावल के लिए थैंक यू, गीजर के लिए थैंक यू, शावर के लिए थैंक यू, वाओ फ्रेश फ्रेश नहाई नहाई हो गई मेरी, आई एम सो फ्रेश टुडे, मिरर के लिए थैंक यू, फुल लेंथ में अपने आपको देख सकती हूँ, मेरी एक्सेसरीज, मेरी बिंदी, मेरा चश्मा, सब चीज़ के लिए थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल, मुझे तो मज़ा ही आ गया, गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज द ओनली मैजिकल मॉर्निंग, नथिंग एल्स। बुक में बस सिंपल चीज़ें और समझाई हैं उन्होंने, आई विल जस्ट रीड समथिंग फॉर यू, मेक टुडे एज गुड एज इट कैन बी बाय प्रैक्टिसिंग कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड एंड पुटिंग द मैजिक इनटू योर मॉर्निंग रूटीन फ्रॉम द मोमेंट यू ओपन योर आइज अंटिल यू हैव पुट योर शूज और फिनिश गेटिंग रेडी, से मैजिक वर्ड्स थैंक यू इन योर माइंड फॉर एवरीथिंग यू टच एंड यूज। सुबह से लेके सुबह सारा दिन तैयार होने तक हर चीज़ जो छू रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, उन सबको थैंक्स बोलते जाओ, सच में थैंक्स इज वंडरफुल। इफ़ यू वेक अप एंड ईट ब्रेकफास्ट फर्स्ट देन यू टच एंड यूज ईच थिंग फॉर द ब्रेकफास्ट, अगर आप लोगों को आदत है उठते ब्रेकफास्ट खाने की, तो इट इज़ ओके, खाने के लिए थैंक यू, प्लेट के लिए थैंक यू, स्पून के लिए थैंक यू, मेरे हाथ पैर कंफर्टेबल चल रहे हैं, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं खुद खाना खा रही हूँ, तो मेरी बॉडी के लिए थैंक यू, हर चीज़ के लिए थैंक यू, फाइन दैट्स इट, एवरी डे विदाउट एक्सेप्शन आई से थैंक यू एज आई पुट वन फुट ऑन द फ्लोर, थैंक यू चीज़ हर ऑनर ब्राइन इज सेंग, मैं हर बार यही करती हूँ, शी सेज आई कंटिन्यू सेंग थैंक यू इन माई माइंड एज आई टच एंड यूज थिंग्स इवन इन द बाथरूम, बाय द टाइम आई ड्रेस एंड रेडी आई फील सो हैप्पी एंड गुड जंप फॉर जॉय। जब आप सुबह उठ के रेडी होने तक हर चीज़ को थैंक्स बोलते रहोगे, तो कितनी सारी हेल्प हो रही है, हेल्प नंबर वन आपका ध्यान गंदगी और नेगेटिविटी से हट गया, हेल्प नंबर टू आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना आ गया, हेल्प नंबर थ्री थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक करके आपका मोमेंटम इतना स्ट्रांग हो जाएगा, बाय द टाइम योर डे एंड्स इट विल बी ब्लेसिंग, बाय द टाइम योर डे एंड्स योर डे विल बी अ परफेक्ट गिफ्ट एंड यू विल बी वेरी हैप्पी फॉर दैट सेटिस्फाइंग डे, बिकॉज हर चीज़ को आप ग्रेटफुल करते हुए आपने शुरुआत की थी, तो पूरा दिन आपको वही मौके मिलने वाले हैं जिसमें आप और थैंक्स बोलोगे और थैंक्स बोलोगे और थैंक्स बोलोगे, हुई ना ये ब्लेसिंग्स, राइट। चलो थैंक यू फॉर दिस एक्टिविटी, थैंक यू फॉर दिस फॉर लिसनिंग टू मी, आई एम सो हैप्पी। इस ग्रेटफुल चैलेंज के बीच में मुझे बहुत लोगों ने अपनी छोटी बड़ी मैनिफेस्टेशंस, हैप्पीनेस, चेंजेस इन देयर लाइफ बहुत लोगों ने शेयर करी है, मैं सबको स्टेप बाय स्टेप लेती जाऊँगी और आप सबसे शेयर करती जाऊँगी, ताकि मोटिवेशन लेवल किसी का लो ना हो। फाइन गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।